आपण हा शौर्य तुला वंदितो असा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे विजय स्वतंत्र दिन आपण या ठिकाणी साजरे करत आहोत. आणि गेल्या 4 वर्षामधला हा 16वा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी करतोय. ज्या ज्या 1965 युद्ध असेल, 1971 युद्ध असेल किंवा 1999 युद्ध असेल, या युद्धामध्ये ज्या ज्या वीरांनी आपल्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपलं अपूर्व त्याग आणि शौर्य त्या ठिकाणी केलंय, अशा भारत मातेच्या सुपुत्रांना आपण आज असे 230 समर सेनाचा आपण या ठिकाणी सन्मान केलाय. आणि आदरणीय वंदनीय दिगेंद्रजी कुमार यांना विनंती करतो की कारगिल विजयाची शौर्यगाथा आपण आपल्या या ठिकाणी सांगावी. तो प्यारे दोस्तो, प्यारे बच्चो, प्यारे मित्रो, आज बडा गर्व का दिन है कि आज से ठीक 20 साल पहले, 20 साल का बहुत लंबा अरसा होता है, बच्चा पैदा भी होता है और कर भी देता है बच्चा पैदा, और गोदी में खिलाने लग जाता है कि ये मेरा बेटा है, तो इतना लंबा अरसा हो जाता है. तो इस अरसे के ऊपर 20वीं वर्षगांठ आज पूना की वीर भूमि में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है. इसलिए सभी महाराष्ट्र के सभी वासियों को इस छोटे से सिपाही का बार बार धन्यवाद और जय हिंद. वो माइक नहीं के वो लंबे वाला सर, वो माइक नहीं है तुम्हारे पास दूसरा, अगर वो हो तो मैं थोड़ा घूम घूम के नाच लूं, क्योंकि आज इसमें थोड़ी आवाज खिंचता है, इसलिए अपना शिवरतन सर है ना, उसके पसीना आ रहा था. मैं भी सोच रहा था कि पूना के अंदर पसीना कैसे आ सकता है, ये तो वर्ल्ड का सबसे प्यारा मौसम है. यहाँ तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा मौसम पूना में होता है, सोलापुर कोल्हापुर पूना में होता है. और यहाँ की जो मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका मन बिल्कुल साफ होता है. मैं देश के हर कोने कोने में घूमता हूँ और वहाँ की जलवायु को चेक करता हूँ, वहाँ के जल को चेक करता हूँ और वहाँ के मनुष्य को चेक करता हूँ. तो मुझे रियलिटी से पूछो और यहाँ से पूछो तो ये भूमि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. और इस भूमि में आपने इतना आदर और सम्मान दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ. बार बार आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, ये मुझे भी पता नहीं कि आप क्यों देते हैं, लेकिन मुझे ये पता चला, मेरी बच्ची मेरे साथ आई हुई थी, बोले पापा आपको पूनम बार बार क्यों बुलाते हैं. मम्मी को बेटा बुलाते तो पूरे देश में, लेकिन मैं जाता ज़्यादातर पूनम में हूँ. बोले वो क्यों, क्योंकि वहाँ तेरा पापा आज से 20 साल पहले वहाँ डेथ वारंट पर साइन करके और यमराज के पास जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पूना की जनता ने भगवान से दुआ करी होगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कि हे मालिक हमारा देश का सिपाही जिंदा होना चाहिए, इसलिए सिपाही जिंदा है. आज आप लोगों से 2 घंटे हो गए और शायद आप तो ज्यादा देर से बैठे हुए, मैं 2-3 घंटे से आपके साथ में हूं. आपका हर प्राणी का प्यार देखने को मिला, एक से बढ़ के एक. दिल करता है कि यहीं बस जाऊं, आपके पूना में रह जाऊं, यहीं अपनी कुटिया बसा लूं. बहुत अच्छा लगा आपका ये प्यार, सच्चा प्यार है. दोस्तों ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे युद्ध लड़ने का मौका मिला, और दूसरा सौभाग्य आपका है कि मैं आपको जिंदा मिला, क्योंकि आपकी डिमांड पे जिंदा बचा हूं मैं, आपके दर्शनों के लिए मैं जिंदा हूं, ये मेरा सौभाग्य की बात है. दोस्तों आज आपको आज से 20 साल पहले की जो शिवरतन जो आईपीएस है, जो गुजरात के टॉप पर आईपीएस माते हैं, और वो उनको लोहा पुरुष भी कहते हैं और कुछ भी कहते होंगे, मैं अपना छोटा भाई मान के उनको साधुवाद देता हूँ कि आपकी बॉडी, आपकी जुबान, आपकी लगन रात और दिन ऐसे ही चलती रहे. तो
आप लोगों ने 20 साल पहले जो दास्तान मेरे साथ बीती वो आज मैं सुनाना चाह रहा हूं कि देखो लड़ाई का तो नाम भी बुरा होता है, लड़ाई दो परिवारों में हो जाती है वो भी थोड़ा अच्छा नहीं होता। जब दो देशों में लड़ाई होती है तो आपको मालूम होगा क्या होता है। मैं उस हिंदुस्तान की पहली कामयाबी कारगिल युद्ध का चश्मदीद गवाह हूं। अब धारा कोई सी भी लगा सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के रंग में रंग दे रहे हिंदुस्तान दुनिया वाले, आजादी के रंग में रंग दे रहे हिंदुस्तान दुनिया वाले। बुरी गुलामी इस दुनिया में, इसे कंगाली अच्छी हो, कप सूरत बद चलनार से काली स्त्री अच्छी हो, अरे जिसका घर घर से होता रे मान दुनिया वाले। आजादी के रंग में रंग दे हिंदुस्तान दुनिया वाले। ये शिवाजी महाराज की धरती के वीर जवानों, आज मेरी बाजू ऐसे फड़क रही है कि जैसे मैं खुद शिवाजी से मिल लिया हूं। आपसे मिला, आपकी बाजू से बाजू टकराई तो बहुत अच्छा लगा। तो आज आपको यहां से -30 डिग्री में ले चलता हूं, यहां तो +26-27 है, तो वहां -30 डिग्री तापमान। तो लोलिंग के ऊपर ले चलता हूं आपको, जिसके नीचे शहीदों के लिए मेमोरियल बना हुआ है। आज वहां से पूरा विश्व लाइव देख रहा है और सामने बोलते हैं ये तो लोलिंग है, ये तो लोलिंग है। कुछ आदमी ये भी कहते हैं इस पर दिगंदर झंडा काटा था, दिगंदर झंडा काटा था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिंदा जिंदा देश का एक पहला महावीर चक्र जो जिंदा ऐसे महसूस कर रहा हूं, नहीं सपना में भी नहीं था कि महावीर चक्र क्या होता है। आज आपका भाग्य है। तो मेरे दोस्तों, उस तोलोलिंग के ऊपर इंडियन आर्मी ने 3 हमले किए थे। कितने हमले किए थे, जोर से बोलो। हाँ, इसका मतलब तुम भी वहीं पहुंच गए। मेरा कहने मतलब यह है दोस्तों कि वहां 3 हमले किए, एक बटालियन जिसके 18 बेटे शहीद हो गए थे, एक बटालियन थी जिसके 18 बेटे गोलियों से छलनी कर दिए थे पाकिस्तानियों ने, और उसको 600 मीटर तक ही चढ़ने दिया था, उस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने नहीं दिया। दूसरी बटालियन गई, बोले हम तो इंडिया की टॉपर बटालियन है, गोरखा बटालियन गई, वो नागा, जो इंडिया में 2 ही बटालियन है नागा, फर्स्ट और सेकंड, जो सबसे खतरनाक बटालियनों की गिनती में आती है। लेकिन वो बटालियन गई, उसके 22 बेटे शहीद हो गए, कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद में दूसरी बटालियन गई, उसके 28 बेटे शहीद हो गए, कोई कामयाबी नहीं मिली। जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब ने ये देखा कि इंडिया की सबसे खतरनाक और टॉपर बटालियन कौन सी है, तो वो चालनी मारी तो 2 राजरीफ का नाम ऊपर आया, यानी मेरी बटालियन को उस समय की बेस्ट बटालियनों की गिनती में गिन लिया चीफ ने, और वैसे आज भी है, क्योंकि कारगिल युद्ध में 8 महावीर चक्र मिले थे, उसमें 4 मेरी बटालियन के पास ही है। और 4 में एक आपके सामने है, 3 शहीद हो गए, मरणोपरांत मिला उनको, मेजर विवेक गुप्ता महावीर चक्र मरणोपरांत, मेजर पद्माचार्य महावीर चक्र मरणोपरांत, कैप्टन कैंगरूस महावीर चक्र मरणोपरांत, और एक पहले दादा होलदार चुनाराम फगेड़िया, जो कि एक किस्मत का खेल है, हिंदुस्तान का पहला 1948 में पहला महावीर चक्र, 8 प्लाटून 4ली कंपनी 2 राजरीफ के होलदार चुनाराम फगेड़िया को मिला था, जो कि मेरे जिले सीकर का था। 1948 का पहला महावीर चक्र उनको मिला था, और इस सेंचुरी का लास्ट मुझे मिला है, तो यह सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो मेरी बटालियन के पास 4 महावीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 28 वीर चक्र और 16 शौर्य चक्र और 109 सेना मेडल है। मेरी बटालियन 2 राजरीफ मेडलों में सबसे ज्यादा है, ये मेरा सौभाग्य है उस बटालियन में। और एक विक्टोरिया क्रॉस, फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस मेरी बटालियन को
9 दिसंबर 1856 को बुसायरा किला तोड़ा था जब मिला था, वो भी पहला विक्टोरिया क्रॉस पूरे विश्व के अंदर जो विक्टोरिया रानी ने पहला विक्टोरिया क्रॉस दिया था वो मेरी टू राजदीप को मिला था। उस टाइम पे इस बटालियन का नाम था 120वीं बॉम्बे इन्फेंट्री बटालियन, 201 साल पुरानी मेरी बटालियन है। बच्चों बात नहीं करनी, क्योंकि मेरा एक वसूल है कि खाओ खूब छिको मत, बोलो खूब पको मत, और चालो खूब थको मत, और देखो खूब थको मत। तो ये बच्चे इधर बात कर रहे हैं ना, ये कुछ करना है तो वैसे ही कर लो बगैर बात किए हुए, नहीं तो मेरे कान में कुछ कुछ होता है। तो मेरे दोस्तों उस तोलोलिंग के ऊपर हमारी बटालियन को बुलाया गया, हम कपवाड़ा में थे, हमारा बटालियन कमांडर था कर्नल रविंद्रनाथ मगोड़ बसोपा रविंद्रनाथ। तो उसको आदेश दिया गया कि भाई टू राजदीप इंडिया की सबसे टॉप बटालियन है और इसको कारगिल में लड़ाई छिड़ चुकी है, और आज मतलब 16 दिन हो चुके हैं और 16 दिन के अंदर कम से कम भी 125 अटैक हो चुके थे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली थी। कारगिल 190 किलोमीटर इलाका में जब मेरी बटालियन गई तो हमारे को दो जगह का टास्क दिया था कि आपको तोलोलिंग सबसे अहमियत पोस्ट है, जो नेशनल हाईवे से बिल्कुल सीधा फायर आता है उसके ऊपर। तो बोलो तोलोलिंग टॉप के ऊपर टू राजदीप अटैक मारेगी, तो जितने कमांडर हैं उनकी गोष्ठी बुलाई गई, मीटिंग ली गई हमारे बटालियन कमांडर ने। तो मैं एक कोबरा टीम का टीम कमांडर था, मेरे पास 10 आदमी थे, मैं छोटा सा सेक्शन कमांडर था, एक होलदार नायक। तो उस समय मतलब मैं लेकिन बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी, ये मेरे साथी बैठे हुए हैं फौजी, इनको मालूम है कि 5 साल में एक बार नेवी एयरफोर्स और आर्मी तीनों का 5 साल में एक बार कंपटीशन होता है कि बेस्ट कमांडो किसको मिलना चाहिए, जो हवा पानी और धरती पर लड़ाई की क्षमता रखता हो। तो 1999 का बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी का मेडल मुझे प्राप्त हुआ था, और उसी टाइम लड़ाई होगी। मैं बिल्कुल ताजा था, बॉडी फिट थी, जो आपने मेरी फोटो देखी होगी बाहर, वो कमांडो वाली जो देखा होगा ना उसमें, तो वो उसी टाइम में बिल्कुल फिट था, हवा में कट मारा करता, यानी कि उग्रवादी दिखते ही हेडशॉट लिया करता और ऐसे खेल खिलौना की तरह उग्रवादी को टक मारता था। और लोग बोलते यार तुझे डर नहीं लगता, मुझको डर लगेगा उस दिन, पता करेंगे क्या होता डर। तो उस तोलोलिंग पर रेखी के लिए मेरा बटालियन कमांडर मुझे लेके गया और जितने भी कंपनी कमांडर सेक्शन कमांडर सभी गए, और ऊपर जाने के बाद में एक बटालियन की वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी 2-3 आदमियों की, और वहाँ पाकिस्तानी बम गिर रहे थे वायरलेस सेट पे, ये कह रहे थे काफरो आगे बढ़ने की कोशिश करी तो तुम्हारी डेड बॉडी की हालत जो कर रहा है कि वो तुम्हारी कर देंगे हम। मेरे को कोई बात ना बेटा, ऊपर चढ़ने दे बताते। उसके बाद दोस्तों मैं पीछे गया, रेकी करके आया, रेकी करने के बाद में मैं अपने बटालियन कमांडर को बताया, मेरे को सर मैं अपनी कोबरा टीम को पीछे से लेकर चढ़ सकता हूँ। बोले बेटे अगर तू चढ़ती टाइम में गिर गया तो, मेरे को मैं चढ़ गया तो भाई अपने ऐसे क्यों सोचो, एक लड़का बोलता है मैं ये कर सकता हूँ तो उसको कहो कर तेरे साथ में, ये मत कहो कि नहीं तेरे बस की बात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी कुछ कर सकता है। अरे ये बात भगत सिंह की मार उद्धम सिंह की माँ के थी तो आज इस देश के अंदर भगत सिंह और उद्धम सिंह पैदा नहीं होते। आपको मालूम है कि उद्धम सिंह की माँ, जब उद्धम सिंह 10वीं क्लास में टॉपर आया तो वो खेलता कूदता अपनी माँ के पास गया और माँ को बोलता है मम्मी मम्मी मैं स्कूल का टॉपर हूँ, ये मेरी सर्टिफिकेट रही। उसकी माँ ने क्या कहा पता आपको? बोले इसके फाड़ के बास्ते लगा दे, आग लगा दे, अगर तू तेरे बाप का असली बेटा है और मेरा तने दूध पिया है तो उस जनरल डायर को मार के मेरे मुंह दिखाना, अन्यथा मुंह मत दिखाना।
वो उद्यम सिंह उस जमाने में, आज तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाए, ऑनलाइन पासपोर्ट बन जाए, ऑनलाइन वीजा मिल जाए। उस जमाने में ना तो ऑनलाइन था ना मोदी लाइन था, कोई सी भी लाइन नहीं थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस आदमी ने एक अंग्रेज अफसर के घर जा करके सेवा पानी शुरू करी और उससे राजी होगा, उसकी पोस्टिंग हुई वापिस इंग्लैंड में। बोले बेटे उद्यम सिंह मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। बोले सर मैं तो नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले मेरा कोई नहीं यहाँ पर, अगर आप ही मेरे माँ बाप हैं मुझे इंग्लैंड में ले चलो क्योंकि मुझे किसी को मारना है। ये थोड़ी कहा उसने, नहीं कहा होगा। बोले ओ सर मुझे आपके साथ ले चलो इंग्लैंड में, वहाँ सेवा करना चाहता हूँ। वो उस अंग्रेज अफसर के साथ में इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाने के बाद में बोले अरे उद्यम सिंह तू आगे पढ़ाई करना चाहता है? बोले हाँ सर करना चाहता हूँ। बोले ठीक है तेरे को मेरी बच्ची के साथ एडमिशन कराता हूँ। उसने करा दिया। गलती से जनरल डायर की लड़की भी उसी स्कूल में थी, तो उसको पता चल गया कि जनरल डायर की लड़की है। उसके पास में बैठना शुरू कर दिया, उसे क्वेश्चन पूछ लिया, कभी सवाल कर लिया कभी जवाब कर लिया, और करते करते प्यार हो गया जनरल डायर की लड़की से। तो एक समय ऐसा आया कि उसने उस बच्चे ने जलियांवाला बाग में उस जनरल डायर को पत्थर मार के क्या कहा था मालूम है आपको? बोले जनरल डायर आज ही के दिन और उसी टाइम जब तेरे तूने मेरे बाप को मारा है ना, इसी टाइम मारूंगा, वर्ल्ड के किसी कोने में चला जाना। तो मेरे दोस्तों वहां गया और जब जनरल डायर का जन्मदिन था तो उसी टाइम वो उसका पादरी का बैग बनाया और उसमें उस अंग्रेज अफसर की पिस्टल ली और वो जो बुक थी उसके माइन बाइबल थी उसके अंदर उसको काट के अंदर डाला। और डालने के बाद में पहले उद्यम सिंह ने जनरल डायर को तो मार लिया बाद यार, अरे भोसले यहाँ कह रहा है कि पहले कारगिल ने मारो पाकिस्तानियों ने, अरे वो तो पाकिस्तानियों से बुरे थे। अभी छोटी सी है कहानी, अभी मार देते हैं जनरल डायर को, छह गोली तो ठोकनी, कोई दिक्कत बात हुई। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरी माँ और मेरे पिताजी के पांच गोली लगी थी 1948 में। अरे मेरे पिताजी यही बात कहता था, बेटा मर्द एक ही बार मरता है और ना मर्द डेली मरते। सही पूछो तो सुबह बेड से उठते ही मर्द मरता है। वो कहेगा अरे यार आज वहां जाना है, अरे बाप रे कौन जाएगा, मरेगा, अरे ये काम करना नहीं नहीं हो सकता, फौज में भर्ती होना। बोले नहीं नहीं रे बाबा मेरे बस की बात नहीं फौज में जाना, वहाँ तो गोरियाँ चलती हैं। तो वो डर जाता है, तो मर्द थोड़ी हुआ, वो तो धरती पर बोझ है, जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता वो खुद की कहाँ से करेगा। भारत माँ की रक्षा करता है उसको सिपाही कहते। तो दोस्तों उस जनरल डायर ने उस लड़की को बुलाया हॉल के अंदर, वहाँ हजारों सिपाही खड़े थे सलामी देने के लिए, उन्हें सलामी दी, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो उस जनरल डायर की लड़की को बुलाया और बोले मेरी बाइबल ले जा। तो उसको कौन चेक करे था, वो अंदर लेगी और वो पीछे से बोला भाई चेक कर ले कुछ करना हो तो, अब तो कुछ नहीं आती टाइम में तो पिस्टल होगी। तो दोस्तों उसने आगे गया, जाते उस जनरल डायर की लड़की से ही पिस्टल ली उसने उद्यम सिंह ने। और वो जैसे जनरल डायर बाहर आते ही जनरल डायर को बोले जनरल डायर समय देख और घड़ी मिला ले और तारीख याद कर, आज ही के दिन तन जलियांवाला बाग का कांड किया था, तने हजारों नियत थे हिंदुस्तानी आदमियों को शहीद किया था तने, याद कर। बोले हाँ किया था। तो बोले अब तू भी शहीद हो जा, ठक ठक छह गोली मारी। उसके बाद में जनरल डायर की लड़की उसको क्या कहती है, उद्यम सिंह भाग जा। बोले हिंदुस्तानी सिपाही बाजना नहीं जानते मैडम, बाजना नहीं जानते बोलो, और वहीं पर उसको फांसी दी गई। तो जब ये कहानी बचपन में जब 4 साल का को मेरे पिताजी सुना सकता है तो मैं तोलोलिंग पे 48 को ना 4800 को मारता, मेरा आज भी वही जुनून है। तो मेरे दोस्तों कि उस जगह पे हम नीचे आए, तो देश का सबसे बड़ा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ
जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब ने हमारा दरबार लिया हमारी बटालियन का, तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था और मैं दाढ़ी रखता था, क्योंकि जनरल कलकट साहब ने मुझे दाढ़ी एक्सक्यूज करके एक सर्टिफिकेट दी थी और उसी ने मेरा नाम कोबरा रखा था श्रीलंका के अंदर, क्योंकि मैं उनका पर्सनल बॉडीगार्ड था। तो एक बार LTTI से पुलिया के नीचे ग्रेनेड फेंका, मैंने उसी को कैच करा और उसी का वाले कर दिया, उसकी मुंडी यहाँ से कट गई। तो जब जनरल कर ने बोला क्या नाम है तेरा, मैं सर दिगेंद्र, बोले तो दिगेंद्र नहीं कोबरा है, तो पूरी फौज ही मुझे कोबरा कहने लगी। उसके बाद में जब तोलोलिंग के ऊपर जब बैठा था, जनरल मलिक ने बोला कि कोई हिंदुस्तान की धरती में इस टूराज रीफ के अंदर ऐसा बहादुर कमांडो कौन है, ऐसा बहादुर कमांडर चाहिए मुझे जो वॉलंटियर इस तिरंगे झंडे को फहरा दे तोलोलिंग के ऊपर। तो कोई नहीं बोला, तो मैं पीछे से मेरे मचमची आ गई, अब मौका खड़ा हो ले दिगेंद्र, मरना तो वैसे भी है, वॉलंटियर होके मरेंगे तो लोग याद करेंगे। मैं जज कहा मो सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी औदार दिगेंद्र कुमार, सेना मेडल एंड डबल चीफ कन्वेंशन कार्ड, बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी। बोले हाँ बेटा, जो 13 मई को तेरे 4 उग्रवादी बजा बजा के मारे थे वही दिगेंद्र है। मैं को सर वही हूँ। बोले तेरे बजा के क्यों मारे, मैं को सर पाकिस्तान को बताना चाहता था कि तुम बाजे भी नहीं छोड़ेंगे, कितनी दूर भाले तू वजीरस्तान चाहे चाहे आगे आगे जा, तू अफगानिस्तान चले जा, वहां भी नहीं छोड़ेंगे तेरे को। अगर जिस दिन हिंदुस्तानी फौजियों का मुंड फिरगा उस दिन तेरा पाटिया साफ है। तो मेरे दोस्तों बोले बोल बेटा तेरी क्या प्लान है, मैं कहो सर मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ, मेरी काई की प्लान है, लेकिन मेरा एक इरादा है कि तोलोलिंग ऐसे ये पीछे से मैं मेरी कमांडो टीम को 10 आदमी मेरे पास उनको ले जाके और दुश्मन को पीछे से ये बता सकता हूँ कि हम पीछे से आगे। बोले शाबाश बेटे, प्लान तो बहुत तगड़ी है तेरी, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मैं कहो सर मैं। बोले चढ़ दीटे में गिर गा तो, मैं कहो चढ़ गा तो, बोले तो मेरा आशीर्वाद है तू चढ़ेगा। और मैं 14 घंटे में रस्सा बांध के नीचे आ गया, मैंने वो रस्सा भी मिला जो विदेश से आया हुआ था जिसकी लंबाई 100 मीटर उठाने की क्षमता 10 टन और वो इंजेक्शन भी लिए थे यूज में मैंने। और ये लेने के बाद में मेरे दोस्तों मैं 14 घंटे में रस्सा बांध के नीचे आ गया। 10 जून को मेरा सीओ साहब बोला बेटा क्या हुआ, मैं कहो सर जो काम बताया वो पूरा कर दिया मैंने। और उसके बाद में मैं नीचे आया और नीचे आके जनरल मलिक को मैंने बोला मलिक साहब से मिले बेटा तू, वो क्या कहना चाहते। मैं गया नीचे और उनको बोला मो सर जय हिंद, बोले हाँ दिगेंद्र बेटा बता क्या बात है। मैं कहो सर उस तोलोलिंग के ऊपर तो इतने भयंकर है और इतना तगड़ा किला है कि वो तो पीछे से ही टूट सकता है। बोले सामने से नहीं, मैं कहो सर सामने से चाहे 1 लाख फौजी भेज दो, उनकी मशीन गन से चलती है, शहीद होना कोई बात थोड़ी है, मुको अगले को शहीद करा वो तो अच्छी बात है। बोले ठीक है बेटा तेरी क्या प्लान है, मुको सर मैं तो पीछे से 10 आदमी ले जाऊंगा। बोले ओके तेरे बटालियन कमांडर से मिल लेना तू। मैं उनको रिपोर्ट दी, हाँ बोले बेटा एक मेरा वादा है, अगर 13 जून को सुबह तू तोलोलिंग पर झंडा फहराता है तो अपने हाथ से मेरे बेटे को नाश्ता कराऊंगा। मुको साहब फिर तो मौज होगी, छोटा सा सिपाही जनरल के हाथ से नाश्ता करेगा, ये मुको मेरा सौभाग्य होगा। बोले ओके बेटा तू छोटा नहीं है, तेरा काम बहुत बढ़िया है। मुको धन्यवाद साहब, हम तो काम करना जानते हैं और ये मेरा कर्तव्य है, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, और जो किया वो भी आज बताना चाहता हूँ कि वो मेरी ड्यूटी थी। मैंने कोई ये नहीं कि मैंने अपने देश पर एहसान कर दिया, नहीं, देश का मेरे पर एहसान है कि वो मुझे इतना प्यार करता है। मैं जैसे वहाँ से जनरल साहब से विदा होता हूँ तो बोला नाश्ता तेरा मैं कराऊंगा बेटा। उसके बाद में मैं तोलोलिंग पर 12 जून की रात को गया और जैसे ही मैं को कुछ मेरे को करे बोलता रहूं, मजा आ रहा वहीं पूछ रहे हो, -30 डिग्री फिर तो चालू रहूंगा। तो उस जगह पे जब 12 जून की रात को मैंने 18 हैंड ग्रेनेड और 350 गोली AK-47 की ये लेकर के, और जो मेरे साथी थे मेरा बटालियन कमांडर वो बोलता दिगेंद्र तेरे को मैं मेरा कंपनी कमांडर देता हूँ, साली कंपनी मेजर विवेक गुप्ता वो तेरी टीम में जाएगा।
मैं सर का तेरा सेवन नहीं चढ़ा, ये मोटा है। बोले नहीं नहीं चेला तेरा ही चढ़ जाएगा। मैं सर नहीं चढ़ा तो फिर देखना क्या करूंगा इसका। बोले वो तेरी मर्जी, कुछ भी कर लेना। उसके बाद में हम 10 आदमी हो गए, मेरे साथ में सुबदार भौरलाल बाखर, सुबदार सुमेर सिंह राठौड़, सी एच एम यशवीर सिंह और कंपनी कमांडर मेरा मेजर विवेक गुप्ता, और ओलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, और नायक चमन सिंह, नायक सुरेंद्र और लहस नायक बच्चन, और राइफलमैन जसवीर, ये मेरे साथ में 9 आदमी थे। और 10वां में तो ये सब के सब ब्लैक कैट कमांडो थे। तो हम 10 के 10 पीछे से तो लोलिंग पे ऐसे चढ़ना शुरू किया रस्से से, और सामने से मेरी चार्ली कंपनी थी वो चढ़ी, और उसकी सपोर्टिंग कंपनी दूसरी थी, और बिफोर्स गन MMG UMG जितने भी हथियार थे वो उसके ऊपर थोलोलिंग पर फायर कर रहे थे। उनको फायर को जैसे ऊपर पड़ रहे थे, यहाँ ऊपर चढ़ा मैं, चढ़ती टाइम अपने साथियों को बोला मैं, दोस्तों फर्स्ट बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो सुबदार भौरलाल बोलता है तेरे से कम कमांडो नहीं थी केंद्र, दूसरे को हम करेंगे। उसके बाद में सुमेर सिंह राठौड़ बोलता है, ओ भाई दिगेंदर तीसरा मैं। मगो सर सीनियर तो आप हो, कमांडर मैं थोड़ी हूँ। बोले प्लाटून तेरी है यार, सेक्शन तेरी है, हम तो ऑन डेपोटेशन आए हैं। मगो ठीक है, कोई बात ना, लड़ लो, मौका पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे मेजर गुप्ता बोला, ओए जाटो, बोले चौथा बैंकर मैं बर्बाद करूँगा। मगो सर धन्यवाद, आइए मगो भी संपिता में, तू भी आ जा, स्वागत है तेरा भी। तो उस गए ऐसे मेरे 9 के 9 साथियों को डिटेल कर दिया, भाई 9-10 बैंकर होंगे, इतने हम दुश्मन के अंदर घुस के मारेंगे। तो बोले ओके दिखे अंदर, वहाँ से चार्ली कंपनी 600 मीटर पर आ गई, फायर बेस से हमारे हजारों हजार गोली बरसा रहे थे। बिफोर्स गन को इनडायरेक्ट के बजाय डायरेक्ट फायर करवाया था मैंने वहाँ पर, जो पहले इनडायरेक्ट फायर करती थी उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो मैंने बोला मुझको डायरेक्ट फायर करो, तो गोली यहाँ टच होगी, वो उनका गोला यहाँ टच होगा तो यहाँ बर्बाद होगा, नहीं टच होगा तो पाकिस्तान में जाएगा, अपना क्या लेना, हम नीचे बड़े रिंग। तो ऐसे करके जैसे उसको फायर को थोड़ा ऊंचा करा, और मैं AK-47 एक पिस्टल एक कमांडो डाइगर जो साइनाइड में डुबाया होता है, जो आदमी को टच करते ही ना तो मराठी बोले ना हिंदी ना अंग्रेजी, ऊपर ही चला जाता है। तो मेरे दोस्तों ये हथियार लेके और उस शिव भोले को याद करके, मो मालिक तुझे शिव शक्ति मानते हैं, तो आज तू शक्ति हमारे को भी दे दे, तने अर्जुन को भी तो दी थी, मेरे को भी दे दे, मैं अर्जुन तो नहीं हूँ लेकिन अर्जुन से घाट भी नहीं हूँ, आ जा हम दे दे शक्ति। तो मेरे दोस्तों वो भगवान शिव को पूजा करके मैं ऊपर चढ़ता हूँ, और चढ़ते ही ऊपर जैसे गया तो मेरे साथियों को बोले मैं ओके दोस्तों एडवांस, वो तो सारे आगे की तरफ बढ़े, मैं ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ गया, और जैसे ही बैंक करके नज़दीक पूछा वहाँ ऐसे काला काला दिखाई दिया, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी। तो मैं सोचा ये कोई पत्थर है, इसको पकड़ ले, और मैंने जैसे उस पर हाथ डाला तो दुश्मन की बरल मेरे हाथ में आ गई, ऐसी जो बरल होती है ना वो मेरे हाथ में आ गई ऐसे। मैंने उसको अपनी तरफ पकड़ के जैसे ही खींचा उसने फायर कर दिया, अंदर खड़ा ही था कोई दुश्मन। तो पहले गोली आ लगी और 3 गोली मेरे सीने में लगी, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। तीन गोली अलगी, एक गोली अलगी और 2 गोली AK-47 में वो भी छूट गई। वहाँ मैं उस भगवान को आदम हूँ, मालिक मैं एक योद्धा हूँ, तने मेरा हथियार खोज लिया। तो दोस्तों मालिक तो यहीं होता है, ऊपर थोड़ी होता है, ऊपर तो आकाश है। तो मालिक अंदर से बोलता है जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने तत्काल हैंड ग्रेनेड लिया और वो निकाला और उसकी पिन पाड़ी, पिन पाड़ते 1 और 2 4 सेकंड का फ्यूज होता है। तो हाथ में लीवर को आजाद किया मैंने, मेरे को अगला अंदर से फेंक नहीं सके, वो उसको 1 और 2 और भीतर ठोक दिया, उस दीवार के साथ में लेट गया, वो बड़ाम दे फटा, फटते ही अंदर से आवाज आई या अल्लाहू अकबर का फरका टेक, मेरे को मरिया तो ऐसा एक भी मरिया हूं भाई। बस मगो दिखे अंदर, अगर तू तो खत्म होगा लेकिन इसमें 4 थे 5 थे, उनके टुकड़े छोटे छोटे हो गए।
वो ग्रेनेड 9 मीटर में कुछ नहीं छोड़ता। ये फौजी भाइयों से पूछ लेना कि 36 नंबर ग्रेनेड की मार क्या है, 180 मीटर तो पूरा इलाका में और 9 मीटर घास भी नहीं छोड़ता। तो वो 9 मीटर कहाँ था, वो तो 2-3 मीटर का ही था बैंकर। तो वो भ्राम दे उठा और उसकी पत्थर पाथर मेरे ऊपर पड़ा, मैं दबका अंदर, मैं को गोलियों से तो कौन मरिया, पत्थरों से जरूर मरेंगा दिखे अंदर मुँह। उसके बाद मैं आराम से निकला, मैं और मैं जैसे निकला इतनी देर में ऊपर से आवाज आई, याली दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे, काफरों को मारो दोस्तों अटैक। तो उसने तो बोला याली, अपना बौरलाल ने राइफल पकड़ के बोले बोल बजरंग बली सप्रे। मेरे जो 9 साथी थे वो मेरे से भी 18 गुना अधिक बहादुर थे, क्योंकि उन्होंने डड करके ने उनके 30 आदमियों को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बौरलाल के सामने आए 5-4 उन्हें उड़ा दिए, मेजर गुप्ता के सामने आए 6-7 उनको उड़ा दिए, यशवीर के सामने आए उन्हें उड़ा दिए, वो लहसनायक बच्चन तो आग लागा टेटुआ पकड़ के उसमें LMG लगा के ऐसे और डर दे दबा दी, खोपड़ी गई आग लगी। ऐसे लड़े थे मेरे साथी, लेकिन कोई घंटे आध घंटे कोई 20 मिनट में कोई किसी के 20 किसी का 15 गोली लगी, वो मुझे आज हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। आज दुख है कि मेरे बगल में इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं, ऊपर है नीचे धरती माँ है। तो उनका बहुत दुख है आज मुझे कि मेरे साथी साथी छोड़ चले रहे साथ ने 12 जून की रात ने। वो मुझे साथ खाते थे, साथ पीते थे, साथ मटर गश्ती करते थे, साथ प्रैक्टिस करते थे, ऐसे सेव उछाला और गोली मारते थे। जसवीर बोलता था बोले सर कितना मोटा सेव है, मेरे को उछाल दर ठोकता था गोली, सेव बिखर जाता था। तो ऐसे मजाक करते थे, वो मजाक 20 साल पहले खत्म होगी। बहुत दुख है इस बात का, लेकिन उनको कभी मैं तो भूल नहीं सकता और आज आप भी उनको याद कर रहे हो, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो मेरे दोस्तों उधर बाहर निकला, उन्होंने अटैक बोला, उन मेरे साथियों ने 30 को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में मैंने अपना फर्स्ट एड यहाँ हाथ दिया तो अंदर गया हाथ गप देसी ने ऐसे, मम्मी को यार तो ज़्यादा ही फाटगा, मैं देखा ज़्यादा ही फाटगा। मैंने फर्स्ट एड लिया और उसको फर्स्ट एड को पाड़ा मुँह से और वो अंदर इतना बड़ा फर्स्ट एड हो वो पूरा ही घूस लिया और उसको बंद कर दिया और फिर यहाँ से ऐसे कर कर आके पट्टी बांध ली, इस हाथ के भी ऐसे पट्टी बांध ली, ऐसे ऐसा कैसा बांध लिया, आंगली फ्री कर ली, मगो ठीक है ऐसे काम ले लेंगे, 4 आग लगे आँख फोड़नी होगी तो फोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसे पट्टी करके ठंडे दिमाग से और उनकी गन ऐसे फायर करी, सांप की तरह रेंगता हुआ धीरे धीरे जाऊँ, ग्रेनेड लूँ और 1 और 2 दर्द दे वहीं लेट जाऊँ, मतलब उसके ग्रेनेड अंदर ठोका और उस दीवार के साथ में बिल्कुल टच हो गए, ग्रेनेड भीतर, वो गन ऐसे फायर कर रही है, उन गनों के नीचे मैं आऊँ, मेरे को बेटा मुड़ के तो फायर कर नहीं सकती, और ग्रेनेड काटूँ और धीरे सी वो लाडू की तरह होता है इतना बड़ा, फौजी जानते हैं, आप भी जानते हो 36 नंबर, हाँ पूना में रहते हो यहीं बनते हैं मालूम है, हाँ आप तो जानते। तो उसके बाद में वो ग्रेनेड लिया और कभी ये इस साइड वाला बैंकर कभी उधर वाला, वो मेजर अनवर खान मुझे गाली काट रहा है, वो हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल, मैं को मैं के कुत्ता हूँ बाहर निकलूंगा है, मैं क्या था आपको पता है, मैं कुत्ता था ही नहीं, क्या था मैं, कोबरा, जिसका वसूल होता फाइट एंड डेथ, मेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश, भाई ग्रेनेड ठोका ऊपर जा याल्लाह करते रह गए। उसके बाद में 11 बैंकर उड़ा दिए मेरे दोस्तों, 11 बैंकर उड़ाने के बाद में मेजर अनवर खान मुझे गाली काटे, अबे हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल, मेरे को टाइम बताओ कि कुत्ता तू या मैं। उसके पीछे गया तो मेरा वो साथी लहसनायक बच्चन सिंह जिसमें LMG थी और LMG में मैं गोल्ड मेडल हूँ, यानी कि रात के समय 100 मीटर पे आप ऐसी आवाज कर देना वहां मेरी गोली आऊंगी 10 का 10 बुरुस्ट, ये मेरा वादा है, आज भी ठोकू उस समय नहीं आज भी ठोकू, अगर रेंज के ऊपर आप कोई
ढोलक पेटी लगा देना और वहाँ वो माइक वो लगा देना स्पीकर और वहाँ से बोल देना हेलो, तो उसी को दोबारा कौन बोलने लायक छोड़ दूँ उसको। अब मज़ अंधेरी रात में, ये मैंने कमांडो में ट्रेनिंग की थी, एक दिन ऐसे रात को एक कनस्तर गुड़ता आ रहा था, तो मैंने ऐसे आंगली करी ऐसे करके पिस्टल काटी ग्लोक पिस्टल और दड़ मारी तो वो कनस्तर में ही लगी। मैंने उसको चेक करा वो लागी कि नहीं, तो वो लागी। फिर मैंने दोबारा उसके अंदर ऐसे लटकाने वाली चीप और रस्सी से खोल के और घूम घूम के चारों तरफ पर धड़ धड़ गोली मार के देखी, तो मतलब 10 गोलियों में 6-7 6-7 8-10 गोली लगती थी मेरी। उसके लास्ट में तो 9-9 गोली भी लगी। मैंने ये शब्द वेदी अभ्यास किया हुआ है, तो LMG में गोल्ड मेडल था, तो वो LMG ली मेरे साथ थी लेसनाई बच्चन की, और उसके पास 250 गोलियों के मैगजीन भरे हुए थे, वो मैगजीन लिए और नया मैगजीन चढ़ाया 30 गोलियों का कोक करया और वो CD ऐसे कटी हुई थी बर्फ में, उनसे ऐसे ऊपर चढ़ा उस बैंकर के जिस पर मेजर अनवर खान ऊपर से 2 SMG से ऐसे फायर कर रहा था हमारी चार्ली कंपनी पे, तो वो गाली भी काट रहा था बार बार, आए काफ्रो तुम्हारा चौथा हमला फैल करूँगा, मेरा नाम मेजर अनवर खान है, मैंने पठानी का दूध पिया है, मगो तेरे से गाटे हमने भी नहीं पिया, जाटनी का पिया मगो बेटा, मगो छोटा को अरमो को माला दूध तो ऐसे था जो छोटे मोटे बर्तन में नहीं रुका करता सिर्फ पेट के अलावा, कोई तो बर्तनों में दूध रुकता है, हमारा तो सिर्फ पेट में रुकता था। हम तो ये पर दूध पीते थे तो वो 6 घंटे बाद में ही उठ के पीते थे, तो हम तो राजस्थान की शेरनी का दूध पिया मगो, अरमो को बता देंगे कौन शेर है। तो दोस्तों आपका आशीर्वाद मेरे साथ में था, मैं उसके ऊपर उसने मैं ऊपर चढ़ा, चढ़ते ही मैं बोला मुगो मेजर अनवर खान समार सुअर की औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, तुझे बहुत देर होगी गाली काटता, मैं भी तेरे को 2-3 सेकंड काट ही लूं, मैं मेरे को जोश आगा मुगो 2-3 सेकंड गाली काट लूं, लेकिन मैं तो इतनी गाली काटी थी, गाली मुझे आती नहीं है, आज भी नहीं आती पहले भी नहीं। तो मैंने उसके ऊपर फायर किया, उसने अपनी पिस्टल काटी, दड़ गोली मारी जो मेरे इस पैर में लगी, पैर में लगते मैंने जो गोली फायर करी उसके पिस्टल में लगी, पिस्टल में लगते उसने दूसरा हाथ से ग्रेनेड फेंका और जो मेरी तरफ ऐसे ग्रेनेड फेंका तो मेरे यहाँ लगा छाती पे पेट पे, जब बट दे मुगो ग्रेनेड तो मैंने डाई मार दी साले के ऊपर ही ऊपर, तो उसने क्या वो ग्रेनेड तो पीछे फटा, तो मेरे दोनों टांगों में काफी स्प्लेंडर लगे, लेकिन मैं उसके ऊपर पड़ा वो मेरे ऊपर, तो उसने उसका हाथ इधर और मेरा टेटवा के ऊपर हाथ ऐसे, उसको ऐसे गद्दम पट्टी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अंधेरा था ही, मैंने उसका टेटवा ऐसे पकड़ा, पकड़ते मुगो है तो टेटवा ही अंधेरे में, आप बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मुख्य बरात मारा छोड़ दूं। उसके बाद मैं उसका किक मारी, मैंने मुगो टूटी फूटी टांग है छोड़ दे, मैंने टांगों को ऐसे क्लोज करके, क्यों मैं रेसलर भी हूं, राजस्थान केसरी रिहा हुआ हूँ मैं 1985 का, कुश्ती करता था मैं उसका टेटवा ऐसे पकड़ा, पकड़ते उसके मारी पुट्ठी वो नीचे है मुगो आजा है, अब वो गुड़ता गुड़ता बोलता है हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मुगो छोटा डट जा थोड़ी देर डट, तेरे को परमानेंट ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैं कमांडो डाइगर लिया और मेरे को तो पैर टांग हाथ पैर तो काम सुनने हो चुके थे, मैंने अपना कमांडो डाइगर का डर बच बैठाया उसकी गर्दन में, वो बोले आ मुगो चाल। उसके बाद में उसकी मुंडी काटी दोस्तों, और मुंडी काटने के बाद में और उसको बोला मो बोल कुत्ता तू या मैं, तने पठानी का पिया हमने दूध किसका पिया बता। तो दोस्तों उस जगह पे मैं ऐसे खड़ा हो गोडी गाड़े दोनों पैरों से और गोडी गाड़ खड़ा होके सारा लेकर के, भाई साहब आपका कुछ कुछ बोलता ये ले जा बेटा चिकने। तो उस जगह पे जैसे ही मैं ऊपर भारत मुंडी हाथ में और भारत माता की जय बोलता ऊपर चढ़ा, अमरीकी सैटेलाइट में मेरी फोटो आ गई, इस वजह से मुझे जिंदा महावीर चक्कर दे दिया भारत सरकार ने, इसलिए उसको धन्यवाद देता हूँ। नहीं मेरे को कोई महावीर चक्कर नहीं देता, क्यों ये कहता इसके पास तो पहले ही मेडल बहुत है, सेना मेडल है, चीफ कन्वेंशन कार्ड है, शौर्य चक्कर रिकमेंडेड है, अब इसको महावीर चक्कर नहीं देना चाहिए, लोग कह देते
लेकिन क्या हुआ कि वो अमरीकी सेटेलाइट में फोटो आ गई, इसलिए मुझे जिंदा महावीर चक्र दे दिया। और जिंदा भी कहाँ, मरणोपरांत डिक्लेयर कर ही दिया था। उसके बाद में मेरे को वहाँ मेरा बटालियन कमांडर कर्नल रविंद्र नाथ आया और आकर के मेरे सलूट में प्राउड माई सन, हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री, पहली कामयाबी, मेरे बच्चे तुझे मुबारक हो, मेरे भगत सिंह तुझे मुबारक हो। दोस्तों उसके बाद में मेरे को वहाँ से उठाया गया और नीचे ले आया गया, और नीचे ले आया तो 1708 में मेरे दो भाई थे, तो उनका कर्नल भावा साहब बोलता है कि कर्नल रविंदर बोला तेरा कोबरा को मैं जानता हूँ, उसके दो भाई मेरे साथ में है, बोले तू तो फिर मेरे से भी तगड़ा है। बोले क्यों, बोले उस एक लेने धुआंधार बल्लेबाजी कर दी तो वो तेरे पास तो दो हैं। बोले सर वो मिलना चाहते अपने भाई से, और ये कह रहे कि हमारे भाई के कितनी गोली लगी, हम साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ गोली गिन के आएंगे, उतनी हजार ठोकेंगे। मैंने अपने पापा का बदला ले लिया, क्योंकि 1948 में मेरे पापा के पाकिस्तानियों ने 5 गोली मारी थी, तो मैंने अपने भाइयों को यही कहा कि मान सिंह भूप सिंह मैंने अपना अपने पापा का बदला ले लिया, मेरा बदला तुम लो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, विजयी भाव मुगो। तो वो टाइगर हिल पे गए थे, मैं नीचे आया श्रीनगर हॉस्पिटल में आया तो वहाँ देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे को स्ट्रेचर पर 3 थप्पी मार के कहता है शाबाश रे मेरे कर्ण बली, तने 48 मारे, बोले तने 48 मारे, आप सेंचुरी में 2 की कमी है। मुको सर 2 फेर मार देंगे, कभी मौका मिलेगा तो ठीक हो। तो डॉक्टर बोलता तुझे पता नहीं, डॉक्टर बोलता बेटा तुझे मालूम नहीं तने कितने मारे। मुको सर मैं तो मार रहा था, गिनती तो मुको लोग ही कर रहे थे। बोले शाबाश बेटे तुझे गर्व है, आज पूरा देश तेरे पे नाज कर रहा है कि तने कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट यानी पहली लड़ाई का पहला कामयाब तोलोलिंग चोटी दुश्मनों से मुक्त रही, और वो 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन थी जिनको पहले भी हमने सर्जिकली स्ट्राइक करके उनके 16 सिर काट के ले आए थे। दोस्तों आज काफ़ी समय होगा, आप लोगों को दूर दराज जाना होगा।